हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज, जहां हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना और आज हम बात करेंगे अजय देवगन, आलिया भट्ट जैसे सुपरस्टार्स के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण देश भर में पिछले 3 महीने से लॉकडाउन है और ऐसे में सिनेमा जगत भी बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। शूटिंग्स बंद थी और लेकिन धीरे धीरे इसका काम भी शुरू किया जा रहा है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं इनसे फैंस को काफी खुशी मिलेगी। आपको बता दें कि सोमवार को शाम 4:30 बजे डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर कुछ सितारे लाइव आने वाले हैं, जिनमें वरुण धवन, आलिया भट्ट, अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार और अजय देवगन का नाम सामने आ रहा है। बात पर विद्युत जामवाल अभिनेता ने ताना मारा है। उन्होंने लिखा है कि 7 फिल्मों के ऐलान के लिए 5 लोगों को चुना गया और उसको योग्य माना गया। 2 फिल्में हैं लेकिन कोई बुलावा नहीं। जाहिर है कि विद्युत को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आपको बता दें कि डिज्नी हॉटस्टार के इस लाइव इवेंट की एंकरिंग वरुण धवन करने वाले हैं। खबरें ये भी हैं कि ये सितारे सिर्फ इसलिए ऑनलाइन आ रहे हैं ताकि वो अपनी फिल्मों के रिलीज डेट का ऐलान कर सके। आपको बता दें कि इनकी फिल्म्स जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म्स पे ही रिलीज होने वाली है। जिन फिल्म्स की हम बात कर रहे हैं उनमें है सड़क 2 आलिया भट्ट की, तो वहीं अभिषेक बच्चन की द बिग बुल, अक्षय कुमार की लक्ष्मी बम, अजय देवगन की वुज द प्राइड ऑफ इंडिया। चूंकि सिनेमा घरों को खोलने में अभी काफी समय है तो ऐसे में सारी मूवीज को OTT प्लेटफॉर्म्स पे ही रिलीज किया जाएगा। इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।